अमरनाथ गुफा में हिमलिंग स्थापित होने की पौराणिक कथा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और आपको सुनाने जा रहे हैं अमरनाथ गुफा में हिमलिंग स्थापित होने की पौराणिक कथा। आइए सुनते हैं। अमरनाथ गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृत प्रवचन दिए थे, जिसे कबूतरों के जोड़े ने भी सुन लिया था, जिसे सुनकर वे भी अमर हो गए। कहते हैं कि आज भी वे कबूतर आपको अमरनाथ की गुफा के आसपास नजर आ जाएंगे। हालांकि उनके दर्शन दुर्लभ ही होते हैं, पार्वती जी भगवान सदाशिव से कहती हैं, प्रभु मैं अमरेश महादेव की कथा सुनना चाहती हूँ। मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि महादेव गुफा में स्थित होकर अमरेश क्यों और कैसे कहलाए गए। सदाशिव भोलेनाथ बोले, देवी आदिकाल में ब्रह्म प्रकृति स्थावर जंगल संसार की उत्पत्ति हुई। इस क्रमानुसार देवता ऋषि पितर गंधर्व राक्षस सर्प यक्ष भूतगण कुष्मांड भैरव गीदड़ दानव आदि की भी उत्पत्ति हुई। इस तरह नए प्रकार के भूतों की सृष्टि हुई, परंतु इंद्रादि देवता सहित सभी मृत्यु के वश में थे। इसके बाद भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मृत्यु से भयभीत देवता उनके पास आए। सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की और कहा कि हमें मृत्यु बाधा करती है, आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मृत्यु हमें बाधा ना कर पाए, मैं आप लोगों की मृत्यु के भय से रक्षा करूंगा। कहते हुए सदाशिव ने अपने सिर पर से चंद्रमा की कला को उतारकर निचोड़ा और देवगणों से बोले, ये आप लोगों के मृत्यु रोग की औषधि है। उस चंद्र कला के निचोड़ने से पवित्र अमृत की धारा बह निकली और वही धारा के बाद में अमरावती नदी के नाम से विख्यात हुई। चंद्रकला को निचोड़ते ही ऐसी चीजें हमें सामने देखने को मिली। उनके निचोड़ते ही समय भगवान सदाशिव के शरीर पर जो अमृत बिंदु गिरे वे सूख गए और पृथ्वी पर गिर पड़े। पावन गुफा में जो भस्म है वह इसी अमृत बिंदु के कण से है जो पृथ्वी पर गिरे थे। सदाशिव भगवान देवताओं पर प्रेम न्योछावर करते समय स्वयं द्रवीभूत हो गए। देवगण सदाशिव को जल स्वरूप देखकर उनकी स्तुति में लीन हो गए और बारंबार नमस्कार करने लगे। भोलेनाथ ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुमने मेरा बर्फ का लिंग शरीर इस गुफा में देखा है, इस कारण मेरी कृपा से आप लोगों को मृत्यु का भय नहीं रहेगा। अब तुम यहीं पर अमर होकर शिव रूप को प्राप्त हो जाओ। आज मैं और आज से मेरा ये आदि और अनादि लिंग शरीर तीनों लोगों में अमरेश के नाम से विख्यात होगा। देवताओं को ऐसा वर देकर सदाशिव उस दिन से लीन होकर गुफा में रहने लगे। भगवान सदाशिव ने अमृत रूप सोम कला को धारण कर देवताओं की मृत्यु का नाश किया। तभी से उनका नाम अमरेश्वर प्रसिद्ध हुआ। अमरनाथ की कथा क्या है, आइए सुनते हैं। इस पवित्र गुफा में भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया था। इस तत्व ज्ञान को अमर कथा के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ गया। यह कथा भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर के बीच हुआ संवाद है। यह उसी तरह से जिस तरह कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हुआ था। सती ने दूसरा जन्म हिमालय राज के यहाँ पार्वती के रूप में लिया। पहले जन्म में वे दक्ष की पुत्री थी तथा दूसरे जन्म में वे दुर्गा बनी। इस बार पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि आपके गले में नरमुंड माला क्यों है। भगवान शंकर ने बताया, पार्वती, जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ है उतने ही मुंड मैंने धारण किए हुए हैं। पार्वती बोली, मेरा शरीर नाशवान है,
मृत्यु को प्राप्त होता है परंतु आप अमर हैं। इसका कारण बताने का कष्ट करें। मैं भी अजर अमर होना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा, यह सब अमर कथा के कारण है। यह सुनकर पार्वती जी ने शिव जी से कथा सुनाने का आग्रह किया। बहुत वर्षों तक भगवान शंकर ने इसे टालने का प्रयास किया, लेकिन जब पार्वती जी की जिज्ञासा बढ़ती गई तब उन्हें लगा कि अब कथा सुना ही देना चाहिए। अब सवाल यह था कि अमरनाथ और अमर कथा सुनाते वक्त कोई अन्य जीव इस कथा को ना सुने, इसलिए भगवान शंकर पांच तत्वों यानी कि पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि का परित्याग करने इन पर्वतमालाओं में पहुंच गए और अमरनाथ गुफा में भगवती पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। दनवाड़ी में उन्होंने अपनी जटा से चंद्रमा को मुक्त किया। शेषनाग नामक झील पर पहुंचकर उन्होंने अपने गले से सर्पों को भी उतार दिया। प्रिय पुत्र श्री गणेश को भी उन्होंने महागुनस पर्वत पर छोड़ देने का निश्चय किया। फिर पंचतरणी पहुंचकर शिवजी ने पांचों तत्वों का परित्याग किया। सब कुछ छोड़कर अंत में भगवान शिव ने इस अमरनाथ गुफा में प्रवेश किया और माता पार्वती जी को अमरनाथ और अमरनाथ की अमर कथा सुनाने लगे। शुकदेव, जब भगवान शंकर इस अमृतवाणी और अमृत ज्ञान को भगवती पार्वती को सुना रहे थे तो वहां पर एक शुक का बच्चा भी ज्ञान सुन रहा था। पार्वती कथा सुनने के बीच बीच में हुंकार भरती थी। पार्वती जी को कथा सुनाते सुनाते शिव जी उनको हर एक बात बताने लगे, लेकिन पार्वती जी कथा सुनते सुनते उनको नींद आ गई और उनकी जगह पर वहां पर बैठे एक शूक ने हुकारी भरना प्रारंभ कर दिया। जब भगवान शिव को ये बात पता चली और उनको इस बात का ज्ञात हुआ तो वे शूक को मारने के लिए दौड़े और उसके पीछे अपना त्रिशूल छोड़ा। शूक जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागता रहा। भागते भागते वह व्यास जी के आश्रम में आया और सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी वटिका के मुख में घुस गया। वह उनके गर्भ में रह रहा था। ऐसा कहा जाता है कि वह 12 वर्ष तक गर्भ के बाहर ही नहीं निकला। जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर उन्हें आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तभी ये गर्भ से बाहर निकलने और व्यास जी के पुत्र कहलाए गए। गर्भ में ही उन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का ज्ञान हो गया। जन्मते ही श्री कृष्ण और अपने माता पिता को प्रणाम करके उन्होंने तपस्या के लिए जंगल की राह ली। यही जगत में शुकदेव मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्री अमरनाथ की यात्रा के साथ ही कबूतरों की कथा भी इससे जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार एक समय महादेव संध्या के समय नृत्य कर रहे थे कि भगवान शिव के गण आपस में ईर्ष्या के कारण कुरु कुरु शब्द करने लगे। महादेव ने उनको श्राप दे दिया कि तुम दीर्घ काल तक यह शब्द कुरु कुरु करते रहो। तदुपरांत में वे रुद्र रूपी गण उसी समय कबूतर हो गए और वही उनका स्थानीय निवास हो गया। माना जाता है कि यात्रा के दौरान पावन अमरनाथ गुफा में इन्हीं दोनों कबूतरों के भी दर्शन होते हैं। यह आश्चर्य ही है कि जहां ऑक्सीजन की मात्रा नहीं के बराबर है और जहां दूर दूर तक खाने पीने का कोई साधन तक नहीं है, वहां ये कबूतर किस तरह रहते होंगे। यहां कबूतरों के दर्शन करना शिव और पार्वती के दर्शन करना उन्हीं के समान माना जाता है। दोस्तों, मेरे साथ एक बार कहिए, अमरनाथ भगवान की, अमरेश्वर भगवान की जय। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी अमरनाथ गुफा में हिमलिंग स्थापित होने की पौराणिक कथा जरूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही धार्मिक पौराणिक और रोचक कहानियाँ हम अपने चैनल द्वारा आप तक साझा करते हैं। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।